पूरी दुनिया में शोर है, चौकीदार ही चोर है। मोदी सरकार ने 2016 में फ्रांस के साथ राफेल सौदा किया था। यह सौदा 7.8 बिलियन यूरो का था। फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट के साथ यह सौदा अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनी ने किया था। इस सौदे के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद फ्रांस गए थे। रक्षा विमान बनाने वाली भारत की सरकारी कंपनी HAL को इस सौदे से अलग रखा गया। ऐसा कहा जाता है कि फ्रांस की कंपनी डसॉल्ट अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस के साथ सौदा करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धमकी दी कि अगर रिलायंस को सौदे में शामिल नहीं किया गया तो भारत सरकार सौदा नहीं करेगी। इस सौदे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हजारों करोड़ के घोटाले का आरोप है। हाल ही में फ्रांस से खबर आ रही है कि राफेल सौदे में घोटाले की जांच का काम फ्रांस की अदालत ने एक जज को सौंप दिया गया है। इस घोटाले को उजागर करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, चौकीदार चोर है और अब इस चोरी के राज जल्दी ही खुलने वाले हैं।